नमस्ते। पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा इन दिनों सुर्खियों में है। इस सूबे के विद्रोही गुटों ने पाकिस्तानी सेना को ऐसा सबक सिखाया जिसे वह दशकों तक याद रखेगी। सोमवार को अकेले एक दिन में बलूच विद्रोहियों ने 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया। बलूच कई दशकों से अधिक स्वायत्त की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें सेना के दम पर प्रताड़ित कर रहा है। वह हर उस बलूच नेता की हत्या करा देता है जो उनके हक हकूक की लड़ाई में लड़ते हैं। इनमें बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब अकबर खान बुगती का नाम भी शामिल है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने दिन दिहाड़े मार दिया था। सरकार के इशारे पर वर्ष 2000 में बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस नवाब मीरी की हत्या करा दी गई। इससे भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा तो उसने बलूचिस्तान से संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया और चीन को इसमें पार्टनर बना लिया। बहुत कम लोग इस ऐतिहासिक तथ्य को जानते हैं कि भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने से 4 दिन पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किया गया था और 1947 में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही वो वकील थे जिन्होंने बलूचिस्तान के शासक खान मीर अहमद यार खान, जिन्हें कलात के खान के नाम से भी जाना जाता है, के लिए ब्रिटिशों के सामने केस लड़ा था। हालांकि बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही एक स्वतंत्र राष्ट्र रह सका। यह असंतोष दशकों से दबा हुआ था जो अब पाकिस्तानी सेना पर फूट पड़ा है। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसे वे आर पार की लड़ाई बता रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान में अचानक विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने से बलूचिस्तान सुलग रहा है। बलूचिस्तान में आतंकी हमले करीब 1 महीने तक चले राजनीतिक अशांति के बाद हुए हैं। 27 जुलाई से बलूचिस्तान में बलूच यकजहती समिति और पाकिस्तान सरकार के बीच जारी गतिरोध के कारण तनाव है। सरकार द्वारा भारी दमन के बावजूद विरोध मार्च, रैलियां, प्रदर्शन और धरने लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। यह गतिरोध तब शुरू हुआ जब जुलाई में सरकार ने गवादर में BYC की सभा से पहले बलूचिस्तान में मुख्य रास्तों को बंद कर दिया, जो पाकिस्तान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह है। हालांकि इस बंदरगाह पर चीन का नियंत्रण है। BYC ने बलूच राजी माची या बलूच राष्ट्रीय सभा का आह्वान किया था। बलूच नेता लंबे समय से पाकिस्तान सरकार से लापता लोगों के बारे में जवाब मांग रहे हैं, जिनके सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपहरण किए जाने का संदेह है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने बलूचों की सभा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलाया। हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें गवादर की ओर मार्च करने से रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाई गई। सरकार की इस कार्रवाई में कम से कम 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए, जबकि BYC का कहना है कि यह नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकारों की वकालत करने वाला एक अधिकार समूह है। वहीं पाकिस्तान सेना इस समूह को आतंकवादी संगठनों और आपराधिक माफियाओं का प्रतिनिधि बताती है, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान में चीन की विकास परियोजनाओं को रोकना है। हालांकि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 27 जुलाई को एक बयान जारी किया, जिसमें बलूच विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई को समाप्त करने और शांतिपूर्ण सभा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल और बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तानी अधिकारियों से बलूचिस्तान प्रांत में प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने में संयम बरतने, शांतिपूर्ण विरोध के लिए हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने और इंटरनेट एक्सेस बहाल करने के लिए कहा गया। बलूचिस्तान में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने वहां के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बलूचिस्तान का इतिहास उग्रवाद से जुड़ा है और ईरान के सिस्तान प्रांत के साथ इसका जातीय संबंध भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों, तेल, सोना, तांबा और अन्य खादानों से समर्थ है। यही कारण है कि चीन ने इस प्रांत में विशेष रुचि दिखाई है। यह पाकिस्तान के राजस्व के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, लेकिन सबसे कम विकसित क्षेत्र बना हुआ है। इस प्रांत का नाम बलूच जनजाति से लिया गया है, जो सदियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। बलूच लोगों की एक अलग संस्कृति है जो उन्हें बाकी पाकिस्तान से अलग करती है और उन्हें ईरान के सिस्तान प्रांत में सीमा पार रहने वाले लोगों के करीब बनाती है।
भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान यह क्षेत्र ईरान और आधुनिक पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया था। चीन द्वारा वित्त पोषित $68 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बलूचिस्तान में है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। ओमान की खाड़ी के पास गवादर को इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। चीन इस क्षेत्र में खनन परियोजनाओं और गवादर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में भी शामिल है। इस बीच कनाडाई खनन कंपनी बैरिक गोल्ड के पास बलूचिस्तान में रेकोडिक खादान में 50% हिस्सेदारी है, जिसे तांबे और सोने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अविकसित साइटों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में काम कर रहे विदेशी नागरिकों के साथ अपने भविष्य के विकास पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन इन गतिविधियों को स्थानीय आबादी और चरमपंथी समूह से कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान की आधुनिक कहानी 1876 में कलात रियासत और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच हुई संधि से शुरू होती है। इसने कलात को आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की। ऐसा ही ब्रिटिशों ने भूटान और सिक्किम के साथ भी किया था। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए, तब बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल थी, कलात, खारन, लास बेला और मकरन। बलूचिस्तान के 3 को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन 1876 की संधि के अनुसार कलात को दोनों देशों में से किसी एक में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में जब 1946 में स्वतंत्रता एक निश्चित संभावना बन गई तो कलात के खान ने अंग्रेजों के सामने अपना मामला रखने के लिए जिन्ना को राज्य के वकील के रूप में शामिल किया। 1947 में दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिन्ना ने कलात की स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया। इस बैठक में अंतिम ब्रिटिश वायस रॉय लाउड माउंट बेटन, कलात के खान, कलात के मुख्यमंत्री जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। इस बात पर सहमति बनी कि कलात स्वतंत्र रहेगा। जिन्ना ने जोर दिया कि खारन, लास बेला और मकरान को कलात में मिलाकर एक पूर्ण बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान के साथ स्वतंत्र होना था। बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान द्वारा सुनिश्चित की जानी थी। कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया। कलात ने भी अपना पारंपरिक लाल और सफेद झंडा फहराया। एक खुतबा यानी मस्जिद से सार्वजनिक उपदेश पढ़ा गया, जिसमें कलात के खान को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया गया। खान ने अपने क्षेत्रों के एकीकरण का इंतजार किया, लेकिन सितंबर 1947 में अंग्रेजों ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि कलात एक स्वतंत्र देश के रूप में कार्य करने की स्थिति में नहीं है। कलात के खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान का दौरा किया। संभवतः जिन्ना की मदद से इस मुद्दे को हल करने के लिए जिन्होंने उनके मामले पर बहस की थी। हालांकि जिन्ना ने उन्हें अपने राज्य को पाकिस्तान में विलय करने की सलाह दी। कलात के खान ने प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि निर्णय बलूचिस्तान विधानमंडल द्वारा लिया जाएगा, जिसने पाकिस्तान के साथ विलय को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान से दबाव बढ़ रहा था। खान ने राष्ट्रमंडल देशों से समर्थन मांगने के लिए अपने सैन्य जनरल को बुलाया, लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि ब्रिटिश जिन्ना का समर्थन करने के इरादे से थे। मार्च 1948 में जिन्ना ने अपना कदम उठाया। कलात से खानन, लास बेला और मकरान को अलग करने और पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की। मार्च के अंत तक जिन्ना ने सेना को बलूचिस्तान में भेज दिया, जिससे खान के पास अपने राज्य को पाकिस्तान में शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बलूचिस्तान पर इस जबरदस्ती कब्जे ने जिन्ना द्वारा विश्वासघात की भावना को और गहरा कर दिया। खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का नेतृत्व किया, जिन्होंने 1948 में अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए विद्रोह कर दिया। 1948 के विद्रोह को कुचल दिया गया। करीम खान सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विद्रोह को नए नेता मिलते रहे और वे पाकिस्तान की लगातार सरकारों को चुनौती देते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए, लेकिन हर बार पाकिस्तानी सेना ने अधिक दमनकारी तरीके से जवाब दिया। विद्रोह का अंतिम चरण 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब बलूच नेताओं ने सरकार की दमन नीति पर सवाल उठाना शुरू किया। इस बार बलूच आंदोलन का नेतृत्व नवाब अकबर खान पुगती ने किया।
जो पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और प्रांत के गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके थे। उन्होंने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण सहित मांगों का एक चार्टर जारी किया। बुगति की 2006 में हत्या करा दी गई। बलूच विद्रोहियों ने गुस्से में जवाब दिया और कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की हत्या का प्रयास किया गया। लेकिन अब हालात काफी जटिल हो गए हैं और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।